दतिया में पुलिस ने अवैध शराब से भरी गाड़ी जब्त की है। वाहन से 7 लाख कीमत की 240 पेटियां अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सिविल लाइन पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरी पिकअप जब्त की है। वाहन से 7 लाख की कीमत की 240 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। थाना प्रभारी धवल सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी जय प्रकाश कुशवाहा ग्राम रिछारी का रहने वाला है और बिना परमिट के शराब खपाने ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़कर शराब जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पकड़ी गई शराब व वाहन की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। बताया गया है कि जिस गाड़ी से शराब खपाई जा रही थी वह गाड़ी पुलिस एसटीओपी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक कमल किशोर तिजोरिया की पत्नी के नाम है। कल चेकिंग में फंस गया था। चेकिंग के दौरान दिनारा रोड पे एक पिकअप वाहन में, पिकअप वाहन नंबर है MP32G0463, उसमें 240 पेटी अवैध शराब पाई है, देसी मदरा की, कीमत करीब है 7,20,000 के लगभग। हाँ, एक आरोपी हिरासत में लिया गया है, जयप्रकाश और राजवीर। अब और पूछताछ की जा रही, कहाँ से ले आए हैं, कहाँ ले जाना थे, पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी।